देश में अब हर दिन न सिर्फ केस बढ़ रहे हैं बल्कि मौतों के मामले भी बढ़ रहे हैं और इजाफा हो रहा है। पहली बार भारत में एक दिन में 4,000 से ज़्यादा मौत का आंकड़ा सामने आया है, वहीं चौथी बार और लगातार तीसरे दिन 4,00,000 से ज़्यादा कोरोना मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 4,01,078 नए कोरोना केस आए हैं और 4,187 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 3,18,609 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहीं बात करें तो कोरोना के नए स्ट्रेन की ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील वेरिएंट के मामलों की, तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले शनिवार को 411 नए मामले, रविवार को 621, सोमवार को 590, मंगलवार को 820, बुधवार को 729, गुरुवार को 989 नए मामले, शुक्रवार को 659 नए मामले और आज शनिवार को 719 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 19,514 से 20,223 हो गई है। जहां पहले 5 या 10 नए स्ट्रेन के मामले सामने आ रहे थे, अब वो 400-500 से कम नहीं आ रहे हैं, जो डराने वाली बात है। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।